देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ये आरएस मुख्य परीक्षा को मांग को लेकर 7 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसमें 2 साथियाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं उनकी ये जो मांग है, जायज मांग है, उसका समर्थन करने आई हूँ उनके साथ खड़ी हूँ। बाकी जायज मांग है, उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। अब ये तो देखो सरकार से पूछो सवाल क्यों नहीं बढ़ा रही, बाकी इनकी जायज मांगे बढ़ानी चाहिए। कम समय 3 महीने बहुत कम होते हैं आरएस मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी 5 साल पहले भी इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम लोग बैठे थे, उस समय तो शायद 5-6 महीने दिए थे, लेकिन फिर भी डेट बढ़ा दी गई। लेकिन इस बार तो 3 माह का बहुत कम समय दिया है, तो मेरे साथियों की जो मांग है, जायज मांग है, उनका मैं समर्थन करती हूँ और उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। सरकार तक बात तो बहुत बार पहुँच चुकी है, सरकार के पूरे प्रदेश में बात पहुँची हुई है। जो हम जो मतलब यहाँ युवा बैठे हैं, ऐसा कितने तो हमारे यहाँ पे विधायक मिलने आए हैं, पूर्व विधायक मिलने आए हैं, 50 विधायकों ने लेटर लिखा है, बात तो पहुँच चुकी है। लेकिन ये आश्वासन वाला गेम बंद होना चाहिए। यहाँ पे लोग भूखे बैठे हैं, 5 दिन से भूख हड़ताल पे है, मतलब 5 दिनों इन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया है, उनके लिए एक निर्णय हो सकता है। हमारे लिए यहाँ पे मौत और जिंदगी का सवाल है, उनको या तो जल्दी निर्णय लेना चाहिए, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो वो चीज़ भी आगे बतानी चाहिए, फिर हम हमारा उस हिसाब से आगे का प्लानिंग करेंगे। लेकिन ये कि इनको सरकार को इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमारी कोई मांग, हमारी जितनी भी मांग है वो पूरे प्रदेश में हर एक समाज सपोर्ट कर रहा है। यही बीजेपी जो 2018 के अंदर या 2021 के अंदर पूरी जो इनकी कैबिनेट है वो यहाँ बैठी थी, ये वो समर्थन कर रही कि भी 3 महीने का समय सही नहीं है, और देना चाहिए। आज इनको ऐसा क्या हो गया कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? आज सिचुएशन वही है, वही सेम सिचुएशन है, वही 3 महीने वाली बात करें हम। एक तो इतना बड़ा सिलेबस है, इन्होंने 21 में सिलेबस चेंज किया, साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, उन्होंने साइंस केमिस्ट्री फॉर एवरीडे लाइफ, फिजिक्स फॉर एवरीडे लाइफ, वो कुछ भी पूछ लेंगे उसमें, हर एक टॉपिक पे एक बुक्स है, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको वापस लिखने के लिए हमको टाइम चाहिए, और वही टाइम हम मांग रहे हैं। अब बात बस इतनी सी है, सबके सामने क्लियर है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सरकार कमजोर हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी के आगे, ब्यूरोक्रेसी के आपस में साठ गांठ है, ब्यूरोक्रेसी कितना भी छोटे से लेके बड़े तक आपस में बिगाड़ता नहीं है, उनको करवाने की जल्दी है, उनका इसके पीछे बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है, ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इसको जल्दबाजी में करवाने के लिए। आगे बढ़ जाएगी तो उनकी जो जितनी भी प्लानिंग है, जो दुधारू गाय है, वो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो मैं। तो इनको हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारी सरकार से, हमारी ब्यूरोक्रेसी से यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें ऑलरेडी पहले हो चुकी है उसको दोबारा करने में क्यों दिक्कत क्यों आ रही है। और ये आरपीएससी का गेम कब तक चलता रहेगा? जब तक ये 1 साल पहले कैलेंडर आरपीएससी जारी नहीं करेगी, ये हर वैकेंसी के अंदर ये प्रॉब्लम आनी तय है। हर वैकेंसी आगे भी जो भी 24 में 25 में जब भी आगे प्रीलिम्स होगा, अगर उसमें उन्होंने पहले से कैलेंडर जारी नहीं किया तो यही प्रॉब्लम फिर से आनी है, यही नीम है, इसी के नीचे छात्र बैठने वाले हैं, ये फिक्स है। तो उनको सुननी चाहिए, ये आवाज़ सुननी चाहिए। हम यहाँ पे कोई किसी पार्टी से नहीं है, सब अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, कोई भरतपुर से है, कोई जालौर से है, कोई धौलपुर से है, जैसलमेर, बाड़मेर, हर जगह से यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारी बहनें भूख हड़ताल पे बैठी है, इतनी नौबत आ गई है, यहाँ पे कर्मचारी है, यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक है, सब बैठे हैं यहाँ पे, हर वर्ग इफेक्ट हो रखा है। हजारों वीडियोस बाइट बना के लोगों ने जो एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने 10-10 सेकंड की बाइट बना के कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये एग्जाम आगे कर दो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। इतनी बड़ी हर राजस्थान में हर किसी को पता है, फिर भी ये इतना क्यों इतना डिले कर रहे हैं? इनको करना है तो जल्दी कर देनी चाहिए, और नहीं भी करे तो हमको मना कर दे, हम एग्जाम का बायकट करेंगे, कोई भी एग्जाम में नहीं बैठने वाला है, हम एग्जाम के यहाँ पे एडमिट कार्ड की होली जलाएंगे, सीधी सी बात है। सरकार तक हमारी बातें पहुँच रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी है ना, वो सरकार पे हावी है, ये सीधी सीधी बात दिख रही है। और कल के पेपर में भी आया था, आपने देखा भी होगा, उसने कहा कि हम पेपर की रक्षा नहीं कर सकते, अगर हमने टाइम 3 महीने बढ़ा दिया तो पेपर चोरी हो जाएगा। अब ये कौन सी संस्था है जिसके 3 महीने गोपनीयता नहीं रख सकती पेपर की, और उससे पहले उसकी एग्जाम डेट लीक हो जाती है, और जो सदस्य है आरपीएससी में वो संदिग्ध है पहले से ही, किसी ना किसी में लिप्त है, और जो राजनीति जिनकी हुई थी नियुक्ति, वो राजनेता है, पहले से विधायकों में खड़े हो चुके हैं, राजनीति संबंधित है। अब वो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो हम सबके साथ न्याय नहीं होना चाहिए क्या सर?
बस यही है कि जो हमारे प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनकी बातें कम सुनी जा रही है, वो बातें दबा दी जाती है, उनकी बातें ही नहीं सुन रहे हैं वो। आरपीएससी के सदस्य हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, बस ब्यूरोक्रेसी हमारी बातें नहीं सुन रही है, जनप्रतिनिधि हमारी बातें सुन रही है। करोड़ी लाल जी आए, वो कैबिनेट मंत्री है। शिक्षा मंत्री जी आए, वो कैबिनेट मंत्री है। अगर उनकी भी बातें नहीं सुन रही तो आप सोचो कि हमारी बातें क्या कैसे सुनेंगे वो, स्टूडेंटों की बातें। हमारी सबकी मांग जायज है, सब कह रहे हैं, सबने हमारा समर्थन किया है, यहाँ तक कि बीजेपी के 80 विधायकों ने हमारा समर्थन किया है। तो सर हमारे, हम पीछे कहाँ रह गए? हम 9 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। देखो केवड़ीलाल जी मीणा शुरू से ही हमारे साथ थे, वो पिछली वैकेंसी में भी उन्होंने हमारा साथ दिया था, वो यहाँ खड़े थे और इस बार भी उनका पूरा सपोर्ट है, पूरा साथ दिया है। उनकी तरफ से हमें पूर्णतः आश्वस्त किया गया है कि आपका काम प्रगति पर है, आपका काम हो जाएगा। तो हम उस चीज़ को मानते हैं कि मंत्री जी की तरफ से जब हमें सकारात्मक आश्वासन मिला है तो हमारा काम होकर रहेगा, और हमने इस चीज़ के लिए मेहनत की है। और क्योंकि हमें सिर्फ समय चाहिए, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे, तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि सरकार हमारी बात सुन रही है और हमारी बात पे गौर कर रही है और उस पे काम कर रही है। अठारह तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है और जहाँ तक संभव है कि हमारा मुद्दा कैबिनेट की मीटिंग में रखा जाएगा और सभी मंत्रियों की सामूहिक सहमति से हमारे इस निर्णय पे पहुँचेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कैबिनेट सभी मंत्री हमारा सपोर्ट करें और सामूहिक निर्णय से पहुँचे, क्योंकि हम युवा हैं, हम ही इस राजस्थान का आने वाला भविष्य है, ये हम बता देते हैं। हमने कोई किसी प्रकार की गलत मांग कर नहीं रहे, हमें समय चाहिए और हम समय लेके आपके ही ब्यूरोक्रेसी में हम आएंगे और इस सिस्टम को आगे हम ही चलाने वाले हैं। जो है वो यहीं पे ही है, और जो हम प्रतिनिधि, हम सब व्यक्ति नहीं आ सकते, कोई गांव दराज में, कोई दूर दराज के इलाकों में रहता है और सब लोग जयपुर पे नहीं रह सकते। तो जो लोग जयपुर में मौजूद है, मैं भी बीकानेर से ही आया हूँ, तो मैं हो सकता है बीकानेर के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ से 500-700 लोग होंगे, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते, सबके लिए हम प्रतिनिधि मंडल का काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे सब एज ए प्रतिनिधि है, जिस प्रकार सरकार हमारी प्रतिनिधि है उस प्रकार उन लोगों के प्रतिनिधि हम हैं।